डेल्ही वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। बाकी पैदल निकलने वाला व्यक्ति पूरे शहर में आराम से निकल सकता है। रही बात की वो अगर गाड़ी से जाना चाहता है तो निश्चित रूप से गाड़ी बिना पास के नहीं चलाने देंगे। बैंक खुल रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, पूरे शहर में बैंक खुल रहे हैं, वहाँ पर लोग पैदल जा भी रहे हैं। अगर किसी को डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो लोकल लेवल पर जो भी अधिकारी उसके यहाँ पर उसकी पहुँच में है उनसे पास लेकर के निकले। कर्फ्यू क्षेत्र के लिए अलग सिचुएशन है, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा, कर्फ्यू क्षेत्र में लोगों का मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई राशि लेने के लिए भी नहीं जा सकता। कल कलेक्टर साहब जो हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कल से, कि कैसे कर्फ्यू क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें ये राशि उपलब्ध कराई जाए। तो उसके लिए व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, उसमें जो भी रास्ता निकाला जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल कर्फ्यू क्षेत्र के लोग जो हैं बैंकों की तरफ मूव नहीं कर सकते। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ रही कि जैसे प्रशासन ने परमिट किया है और उनको दुकान खोलने के लिए कि भाई डोर टू सप्लाई देगा, वो जैसे दुकानदार को शटर ऊपर करता है तो पुलिस पहुँच रही है वहाँ पे, उसको दुकानदार को। कर्फ्यू क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कर्फ्यू क्षेत्र में दुकान खोलने पर प्रतिबंध है। कर्फ्यू क्षेत्र के कुछ दुकानदारों को डोर टू डोर सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। उन्हें बहुत स्पष्ट बता दिया गया है कि आप दुकान खोल करके नहीं बैठेंगे, आप दुकान से अपना माल निकाल सकते हैं, अपना कागज़ अपने साथ रखिए, आपके पास अनुमति है, पास है, उसके माध्यम से अपना सप्लाई, अपने सामान गाड़ी में ला दिए और डोर टू डोर सप्लाई करिए। आप दुकान खोल कर वहाँ बैठ नहीं सकते। जिसको भी बंद कराया जा रहा है वो वही दुकानें हैं जहाँ पर व्यक्ति सामान निकालने के लिए अपनी दुकान नहीं खोल रहा है, बल्कि वहाँ बैठ करके वो कस्टमर को आमंत्रित कर रहा है, उन्हें बंद कराया जाएगा। बिल्कुल सर, इस तरह की भ्रामक प्रचार करने वालों पर कोई कार्रवाई? और देखिए, क्योंकि ये जो है ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो गया है कि हमें पता नहीं चल रहा इसका ओरिजिन क्या है। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें झूठ लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भ्रामक हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि डॉक्यूमेंट से ही उठाए गए हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि सही नहीं हैं। अगर उसका ओरिजिन पता लगेगा तो कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है। सर, एक चीज जो पूरा जिला जानना चाह रहा है, जो रेड जोन में आने के बाद एक डर और दहशत बनी हुई है। जो भी कर्फ्यू क्षेत्र कवर किया गया है वो एरियल डिस्टेंस से कवर किया जाता है। हम स्कूटर से कहीं पर पहुंचते हैं तो हो सकता है 2 किलोमीटर लगता हो, पर हम क्योंकि एरियल से रेडियस निकालते हैं तो कोशिश यही की गई है कि एरियल डिस्टेंस जो है, जो भी हॉटस्पॉट है उनके 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहे। कहीं कहीं पर रोड पर पहुंचने की कोशिश में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर आप अगर गौर से देखेंगे मैप्स पर तो 1 किलोमीटर से अधिक का दायरा नहीं है। आपके हॉटस्पॉट जितने भी हैं उनको आप पॉइंट करें मैप पर, आप देखेंगे कि बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में यही है। उसको लेकर के वो सही बात नहीं है, सही तथ्य को सामने नहीं रखा गया। एक व्यक्ति जिसके परिजन होते हैं, परिजनों की जिम्मेदारी होती है कि वो बॉडी को लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। डेथ होने के बाद ही हॉस्पिटल की तरफ से परिजनों को बता दिया गया। जो लोग आइसोलेशन में या फिर अपने कंटेनमेंट में रखे हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर बाहर कहीं पर क्वारंटीन किए गए हैं, उन लोगों को भी ये बता दिया गया कि आप चाहें तो अंतिम संस्कार के लिए हम आपको छूट दे सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। यदि एक बॉडी उसके परिजन नहीं लेते हैं तब प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू होती है कि प्रशासन उसे एक ऐसी बॉडी के रूप में जिसे उसके परिजन नहीं ले रहे या परिजन नहीं है, उस क्रम में हम उसे कंसीडर करते हैं और फिर हमारी एक प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हम उसका डिस्पोजल करते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में ये बात आप लोगों के द्वारा देखी गई या लिखी गई कि उस व्यक्ति का कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन उसका डिस्पोजल नहीं करा पाया, अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। हमारे लिए एक लावारिस बॉडी का डिस्पोजल कराना एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही होता है। आज उसका अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है और पुलिस और प्रशासन मिलकर के उसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना पेशेंट की डेथ होती है तो परिवार वाले भी डरे होते हैं और पूरा प्रशासन जो है उसे बहुत सारी बारीकियाँ देखनी होती हैं। एक बॉडी जो कि कोरोना पेशेंट की होती है उसे डिस्पोज करने की एक निर्धारित SOP है, उस SOP को फॉलो किए बिना प्रशासन भी डिस्पोजल नहीं कर सकता। जो बातें आज लिखी हैं, मीडिया में आई हैं, वो बातें पूरी तरह सही नहीं है और दुर्भाग्य से उसमें किसी का वर्जन भी नहीं है। किसी 24 घंटे लगते हैं इस बात में, किस बात में, देखिए वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने क्या क्या सिचुएशंस हैं। अगर लावारिस लाश के बारे में देखा जाए तो 3 दिन का समय होता है प्रशासन को डिस्पोज करने के लिए। लेकिन सर ये तो कोरोना से रिलेटेड मामला है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये बॉडी जो है वो कोई लावारिस बॉडी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। हम उसका डिस्पोजल निर्धारित SOP के तहत करा रहे हैं। कल नहीं हो सकता था, इसलिए उसका डिस्पोजल आज कराया गया। हाँ, आज अब हो रहा है क्योंकि मैं जैसा आपसे पहले ही कह रहा हूँ, हर जगह पर हम सामान्य जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको लागू नहीं कर सकते। एक डेड बॉडी जो कि कोरोना पेशेंट की है, उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हर व्यक्ति में होती हैं, उसके परिवार वालों में भी हैं, आप खुद देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उस तरह की भ्रांतियाँ उस सिस्टम के लोगों में भी हैं, वो भी हम और आप मिलकर के ही सिस्टम बनते हैं। तो उसमें जो लोग शामिल हैं उनके भी अपने डर हैं, उन्हें भी समझाना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं। बॉडी को बाकायदा इन्होंने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से उसको पैक किया है, उन्हें भी समझाना पड़ता है क्योंकि पहला केस है। निश्चित रूप से लोगों को समझाना पड़ा है और उस प्रक्रिया को उन्हें बता करके उसके बाद अंतिम संस्कार कराया।